फाइनली वी मेड इट। रास्ता कैसा आगे का, मतलब रास्ते का डाउन है सारा, बढ़िया। ये बिल्कुल वैसे लग रहा है जैसे रोहतांग पास है, है ना, मगर वो फिर भी थोड़ा ठीक है, वो फिर भी ठीक है, उसमें जगह तो है। जो कहता है ना इसमें मैगी नहीं बन सकती, तो भाई आज हम आपको लाइव एग्जांपल दिखाते हैं। ये बच गई। आज हम अपनी कार में कैंपिंग करने वाले हैं, सारा सेटअप बन रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। है ना, उसी स्कूल से हो ना जिसमें आमिर खान ने पढ़ाया था, थ्री इडियट्स में। बोलने की जो पावर है ना, जो आवाज है, वो भी लिमिटेड निकल रही है। अमेजिंग। अभी तो सचपाच पहुंचे नहीं है, जितनी गाड़ियां हैं सब पास होने दो। भाई ये होती है पूरी एडवेंचर भरी, इतनी एडवेंचर, ऐसा नहीं है गाड़ी नहीं जाएगी, नहीं जाएगी यार, जाएगी, लेकिन बढ़िया की मूवमेंट बनाना पड़ेगा, मूवमेंट बनेगा, क्योंकि हम थे थोड़े स्लो और यहाँ पर काम थोड़ा हो गया खराब। मैं यहाँ से निकल नहीं सकता, गेट बंद है मेरा क्योंकि बर्फ है साइड में, तो शार जी थोड़ी सी कोशिश कर रहे हैं। चलो चलते हैं, हाँ ले ले पीछे, लेते रहे लेते रहे, आराम से। इसलिए मैं चल 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 आता रहे भाई, पीछे आता रहे, हाँ चलता रहे चलता रहे, मैं तर रहा हूँ भाई। ये दिक्कत आ गई है, पत्थर है, ये काम खराब करते हैं हमारा। चल भाई, नहीं जाएगी, पीछे ला वापस। थियागो यहाँ अटक गई है, ऊपर से गाड़ी आ रही है, सुन साइड में दबा ले पीछे करके, और पीछे जा, जहाँ से ऊपर से गाड़ी आ रही है ना, हमें स्पीड से जाना है, वो रही ऊपर। ओह शिट, ओफो अटक गई यार। अब तो चल जाएगी, गाड़ी नहीं चढ़ पा रही अब ला, वो देखो वो बोलेरो भी नहीं चढ़ पा रही, आप देख रहे हो, वही वापस आ रही है, और ले जा पीछे। हाँ पीछे काफ़ी सारा सामान है ना, तो लोड पीछे पड़ रहा है सारा, इसलिए गाड़ी पीछे आ रही है। सीधी खींच दे पूरी। ओफो बादलों की आवाज़ सुनो, इसको पहले जाने दे पिकअप पे, पूरा बादल की आवाज़ सुनाई दे रही है, क्या खतरनाक हो रही है। ओफो बादल फटने वाले हो, बोलो शंकर भगवान की जय। खतरनाक था, तो जहाँ मोमेंट खराब हुआ क्योंकि ऊपर से गाड़ी आ रही है, आपने अगर ब्रेक लगा दिया ना तो भाई आप सोचो आप जाओगे 300-400 मीटर पीछे, फिर आप एक मोमेंट में लेके आओगे, और वहां भी अगर मोमेंट टूट गया तो समझो फिर वापस। सचपाच की स्टार्टिंग हो चुकी है, और ये देखो ये रोड बहुत ज़्यादा अमेजिंग, अब तो पूरी दीवार बन चुकी है बर्फ़ की, ये देखो कितना अमेजिंग है। अभी गाड़ी चढ़ने में थोड़ी दिक्कत दे रही थी, मूवमेंट खराब हुआ था, लेकिन अब चढ़ गए हम, स्नोफॉल मजा आ गया। ये देखो फेस पे बर्फ ही बर्फ, ये ओ बच गई। ये देखो कहाँ से आ रहे हैं हम, वो नीचे से बादलों ने पूरा कवर कर लिया एरिया, वहाँ पूरे काले बादल वहाँ से आ रहे हैं, वो पूरी बारिश हो रही थी और ऊपर भी बादल लग रहा है, अभी हमें वहाँ जाना है और टॉप पे, वो देख रहे हो आप, वहाँ जाना है। सोचो इतनी हाई टेरेन, इतनी डिफ़िकल्ट टेरेन, कैसे यहाँ से निकलना, बहुत मुश्किल, इसीलिए इसका नाम है सचपास। मैं आपको बता दूँ सचपास से आगे आप यहाँ से मनाली वाला रूट भी ज्वाइन कर सकते हो, लद्दाख भी जा सकते हो, तो ये आसान नहीं है कोई,
बहुत कम लोग सच पास करते हैं, क्यों? क्योंकि उसका रीज़न यही है कि गाड़ी एक तो बिल्कुल फिट होनी चाहिए, ग्राउंड क्लीयरेंस थोड़ा अच्छा होना चाहिए, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे। मैंने तो आजमा लिया, अभी तो हम यहाँ तक पहुँचे हैं, सच पास अभी रह गया है 3 से 4 किलोमीटर। बहुत डिफिकल्ट पैक हो गया, अभी जुकाम हो गया। हाँ भाई, कैसे पैक हो गए सारे? हाथ है ना, ये देखो लाल हो गए, बहुत ज्यादा ठंड है। मजे आ रहे हैं लेकिन वर्थ इट है यहाँ पे आना। अगर आप लोग अपने फ्रेंड्स या फैमिली के साथ आना चाहते हैं तो यहाँ पे जरूर आए। आप देख सकते हो मेरे पीछे का व्यू, अपना तो आ गया स्काफ, इसके बिना तो गुजारा नहीं है। बिल्कुल लगभग 13,000 फीट पर समुन्द्र तल से, ये आवाज भी कम हो गई है। सही बात है, सच में यार अमेजिंग है यार। बहुत अमेजिंग। बस 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 आजा। चार्जिंग हमारे पूरे पैक हो गए हैं। बहुत ठंड लग रही है, ठंड लग रही है ना बहुत। और तान्या जी का हाल देखो, इतना मेकअप करके निकले थे। सचपास हमारा आने वाला है, फिलहाल तो ये हाल हो गया है कि हाथ सुन चेहरे पे लाली आप देख सकते हो। जेसीबी बर्फ हटाने में पूरी सक्षम है, बर्फ हटाई जा रही है क्योंकि जमे जा रही है बर्फ ना, और अब बहुत तेज स्नोफॉल हो चुका है स्टार्ट, और ये मेरे ख्याल से अब तो रुकने वाला नहीं है क्योंकि ये देखो सफ़ेद चादर पूरी, ये देखो मैं क्या क्या दिखाऊं क्या क्या ना दिखाऊं समझ नहीं आ रहा कुछ भी, क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं इतने प्यारे प्यारे ब्यूटीफुल नज़ारे हमें देखने को मिल रहे हैं ना कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है। ये बिल्कुल वैसे लग रहा है जैसे रोहतांग पास है ना, मगर वो फिर भी थोड़ा ठीक है, वो फिर भी ठीक है, उसमें जगह तो है एटलीस्ट, और रोड भी थोड़ी सही है यहाँ। रोड तो आप कह नहीं सकते, रोड है इसे रोड कहना गलत फहमी होगी। आगे सच पास, आगे जी, एंड दिस इज सच पास, फाइनली वी मेड इट। फीलिंग है ना, हवा बहुत तेज चल रही है, आपको हवा शायद पूरी क्लियर ना आए, लेकिन हम इस रूट से आए हैं और अभी यहाँ जाना है क्योंकि यहाँ कहीं रुकने का स्टे का नहीं है। बट दिस व्यू, माता रानी शंकर भगवान की जय। ठंड लग रही है ना यहाँ तो बिल्कुल कुकड़ी बन गई है, और ये देखो यहाँ से हम आए हैं पूरा पूरे बादल इतनी खाई है ना, और सारी जगह ना ये पूरी बर्फ जमी हुई है नीचे, पूरी खतरनाक मौसम हो रहा है, पूरा खतरनाक। और कितना हाइट है ऊपर, हाई एल्टीट्यूड पे हम 14,000 यार मौज काट दी बेटे, मौज काट दी। वाह बेटे वाह, तुम तो कदे हैवी ड्राइवर निकले। तो फाइनली वी मेड इट, वी मेड इट। हमको ये शक था कि टियागो आ पाएगी या नहीं, बट ऐसा नहीं है। अगर आप पे टैलेंट है, स्किल है, आप अच्छे ड्राइवर हैं, आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस है, तो आप कोई सी भी गाड़ी ऊपर लेके आ सकते हो, अल्टो भी लेके आ सकते हो। और मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे हाथ बिल्कुल सुन हो चुके हैं, बोलने की जो पावर है ना, जो आवाज़ है वो भी लिमिटेड निकल रही है क्योंकि इतनी बर्फ, इतना सब कुछ देखते हुए आए, पूरी जो ट्रेन हमने पूरी क्रॉस की है ना, अमेजिंग। लास्ट ये, लास्ट ये। और रास्ता कैसा आगे का, मतलब रास्ते का डाउन है, 8 किलोमीटर बाद भाई। गाड़ी का हीटर हमने चला लिया है, मौसम दिखाया था पूरा, स्नो पड़ रही है और ये पूरी बर्फ आप देख लो, पूरी बर्फ ही बर्फ।
और ऐसे में बनेगी हमारी गाड़ी में मैगी। पर मैगी वो भी हमारा 812 वाट से कनेक्टेड, जैसे हमने चाय बनाई थी इसमें पानी बॉयल हो रहा है हमारा, पानी गर्म हो रहा है, इसके अंदर मैगी डालेंगे और मैगी बनके तैयार। तो दो मैगी हम इसमें बनाने वाले हैं। फाइन शुगर, एज यू कैन सी फाइन शुगर सब कुछ है हमारे पास। तो हम इसमें चाय और कॉफी अभी तैयार करेंगे। हम जा रहे हैं नीचे की तरफ, और नीचे जाकर अभी हमने सुना है कि होमस्टे वगैरह मिल जाएंगे हमें, तो कोशिश ये है कि नीचे जाके हम लोग होमस्टे करें। 7 से 8 किलोमीटर उस मंदिर पे आसपास का जो पॉइंट है वहाँ से 8 किलोमीटर, और बता रहे हैं कि ढलान है पूरी है। नीचे जाके आप वहाँ पर ढाबे वाबे हैं तो वहाँ पे होमस्टे मिल जाएंगे हमें। तो एक बार कोशिश करते हैं, देखते हैं अगर कुछ मिल जाए, और जो मिल जाएगा मैं आपको बता दूंगा, डिस्क्रिप्शन में सब मैं आपको डिटेल दे रहा हूँ। तो आइए और सचपास का मजा लीजिए। फिलहाल तो हम बना रहे हैं मैगी, तो मैगी के साथ हम बनाएंगे चाय और मैगी खाते हुए यहाँ के व्यू को करेंगे हम एंजॉय। उससे पहले मैं आपको एक बार उतर के यहाँ पे दिखाना जरूर चाहूंगा कि हम किस पॉइंट पे खड़े होकर मैगी बना रहे हैं। तो चलिए आइए। वो देखो वो पूरे झरने बह रहे हैं वहां से, और ये पूरी बर्फ ही बर्फ है यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं। वहां से हम लोग आए और हमें वहाँ दूर जाना है, और हमने अपनी टियागो यहाँ लगा दी है साइड में, अंदर हीटर चल रहा है। बहुत इतनी ठंड है ना कि निकलने का मन ही नहीं कर रहा, क्योंकि हम इतना भीग चुके हैं स्नो में, और फिलहाल अभी स्नो बंद हो गई है, शुगर है अभी स्नो बंद हो चुकी है, ताकि रोड भी ट्रैकिंग है तो थोड़े ख़राब ना हो जाए, स्नो बंद होगी तो अच्छा है। हम थोड़ा इन्जॉय करते हैं अंदर और मज़े लेते हैं। चलो फिर आपको आगे दिखाएंगे पूरा, अगर मज़ा आ रहा तो लाइक करते जाओ फटाफट। पानी इसमें ये 65 डिग्री तक गर्म होता है, तो इसमें आपकी गाड़ी को हीटअप होने में कोई दिक्कत नहीं है, कि आप सोच रहे हो गाड़ी में कुछ नुकसान हो, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। ये गल गई हमारी मैगी, ये गली हमारी दूसरी मैगी, तो दो मैगी की क्वान्टिटी आराम से है, तीन भी बना सकते हो बट दो सफिशेंट है। मिक्स कर दिया है। अच्छा, और अब हमारे हम इसको बंद करके रख देंगे, फिर हम इसको 5 मिनट बाद खोलेंगे। वो कहते हैं ना कि डेस्टिनेशन तक पहुंचने में वो मजा नहीं है जो सफर में है। जब हम पूरा सफर कर रहे थे सचपास का, वो बिल्कुल ब्यूटीफुल था, और सचपास पहुंचने के बाद तो अल्टीमेट था ही। मैगी बनके हमारी तैयार हो गई है। तैयार, आपको दिखाता हूँ मैगी कैसी बनी। देखो टैन टैन, जो कहता है ना इसमें मैगी नहीं बन सकती, तो भाई आज हम आपको लाइव एग्जाम्पल दिखाते। देखिए मैगी आ गई है ऑन गाड़ी, पहाड़ों में मैगी, वो भी अपनी गाड़ी में। नहीं, इसे मुश्किल से करेक्ट हमने टाइम नोट किया, 7.5 मिनट लगे पूरी मैगी बनने में, 2 मिनट वाली मैगी गाड़ी में नहीं बन पाती है। गाइस देखो नीचे फ्रोजन लेक है, कितना मस्त व्यू आ रहा है। ये पूरा बर्फ का पानी है ना, पूरा बर्फ के बंजे। ये तो वैसा लग रहा है जैसे पेंगोंग लेक का वो नहीं होता, उसके पास हम जाते हैं जैसे लद्दाख में, सेम वैसी व्यू आ रहा है। हम लोग सचपास से नीचे उतर चुके हैं, और आप ये देख सकते हैं पूरा वहाँ से आए हैं ऊपर से ना, पूरा वहाँ से उतर के यहाँ पर, और यहाँ पर ये ढाबे हैं, एक ढाबा है एक वो ढाबा है, और यहीं पे रुकने का होमस्टे का भी है कि आप यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। तो आज रात हम यहाँ स्टे करेंगे। वैसे तो प्रॉपर तो नहीं है मैनेजमेंट, घर जैसा माहौल है, और खाना भी हमें घर जैसा मिलेगा, घर जैसा मिलेगा, सो डेट हम कल सुबह यहाँ से वापस हो जाएं। हाँ। क्योंकि यहाँ से आगे पड़ेगा किल्लर, और किल्लर कम से कम 2 घंटे रास्ता है, 30 किलोमीटर, और वो भी मोस्ट डेंजरस रोड ऑफ इंडिया में आता है, तो हम वहाँ नहीं जा रहे हैं क्योंकि बर्फ बहुत है और हमें वापस जाना है, टाइम की शॉर्टेज है। सचपास हमने कर लिया, हम तो वहीं से वापस जा रहे थे, बस सोचा कि थोड़ा नीचे आके यहाँ स्टे करते हैं एक दिन, उसके बाद जाते हैं। तो हम कल सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग यहाँ से निकलेंगे। वो रिवर ना, ग्लेशियर जो आ रहे हैं, वो ग्लेशियर पिघल के आ रहे हैं सारे ये, और यहाँ कुछ ऐसा है, इतना प्यारा व्यू है, यहाँ पर एक दिन रुकना, एक रात का रुकना हमारे लिए तो बहुत लकी है। बाकी हमारी गाड़ी में भी सेटअप है, ये उन्हीं का घर है यार, पता कहाँ घर बना रखा है वो देख रहा हूँ अभी, ये पहाड़, ये यहाँ पर ये घर है। अमेजिंग यार, कैसे रहते हैं यहाँ पे लोग। कि आज हम यहाँ रुक रहे हैं, लेकिन आज हम अपनी कार में कैंपिंग करने वाले हैं। सारा सेटअप बन रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारी टेबल लग रही है पूरी, जहाँ खाने का होगा हमारा, तसला कोयले, ये हमारी हांडी, सारा सामान है। और मैं दिखाता हूँ बाकी क्या कर रहे हैं हम, बाकी अंदर हम बना रहे हैं इसे कार बेड। आगे दिखाता हूँ मैं, ये मैंने पूरा कवर कर दिया है आगे से, अमेजोन से मंगाया था, लिंक दे दूंगा। और ये यहाँ से शेडर लगा दिए हैं मैंने, ख़तरनाक हो जाएगा माहौल पूरा, ठीक है, बढ़िया बढ़िया वाला। और यहाँ पर ये पीछे 2 ब्लैंकेट है हमारे, जो अब जाएंगे गाड़ी के अंदर, और पीछे पूरा सामान भाई है।
शर्माते हैं ये बहुत शर्मीला है भाई ये। अच्छा नाम तो बता दो अपना। मेरा नाम प्रदीप। वाओ स्कूल जाते हो? कौन सी क्लास में हो? सिक्स्थ क्लास में। अरे वाओ ये देखो ये दोनों कभी स्कूल नहीं गए। ये दोनों हम तो कभी स्कूल ही नहीं गए। इनको बोलते रह गए कि भैया स्कूल चले जाओ, ये दोनों गए नहीं। कहाँ से जाते हो स्कूल? हैं लाहौल स्पीति। ओ भाई तो बहुत दूर का निकला कबीर अपना। ओ माय गॉड कबीर जी अभी छुट्टियां हैं भाई। ये अपनी नानी के घर जैसे हम लोग जाते थे ना, ऐसे ही अपने मामा के घर है। अच्छा ये लोग 4 महीने यहाँ पे रहते हैं और 8 महीने वहाँ पे रहते हैं, ऐसे ही ना? ये 8 महीने रहते हैं? नहीं नहीं 4 महीने रहते हैं और 8 महीने है ना भाई। ये इतनी सारी बर्फ पड़ती है तभी ये फिर वहाँ चले जाते हैं। तो ये आ गए मेन ओनर सर, हेलो कर दीजिए। अपना नाम बताइए सर। नेपाल से? हाँ तो मैं वही बता रहा था दर्शकों को कि 12 साल से यहाँ रहते हैं सर। यहाँ के बारे में बताइए कुछ। वैसे मैं बता दूँ बहुत स्वीट पर्सन है ये। अभी हम 1 घंटे पहले इनसे मुलाकात हुई और आज हम इनके पास ही रुकने वाले हैं। सर बताइए यहाँ के बारे में, क्या क्या देखा आपने यहाँ 12 साल में? 12 साल में सर एक नहीं ऐसा है कि मतलब जब ये रोड नहीं बना था हाँ जी तब से हम यहाँ ड्राइव करते थे। अच्छा तो फिर एक नहीं अब ड्राइव से एक नहीं मन भर गया, अब बच्चे हो गए हैं अब तो यहाँ अपना ढाबा है कि नहीं सुविधा यहाँ कुछ मिलता था था ही नहीं। फिर यहाँ चले हम ऐसे अब है कि नहीं सारे को सुविधा है कि नहीं जो है कि नहीं फंस गए। लेकिन आप अच्छा काम कर रहे हो क्योंकि जो ऊपर से आता है वहाँ पे उसे कुछ पॉइंट नहीं मिलता। एक यही एक पॉइंट है एकमात्र जहाँ पे कुछ मिल जाएगा उम्मीद है। हम भी इसी उम्मीद से यहाँ पर आए थे कि यहाँ पर कुछ स्टे मिल जाए, यहाँ कुछ खाने को मिल जाए। यहाँ से करीबन 30 किलोमीटर दूर उसके बाद आपको कुछ होटल वगैरह मिलेगा। हाथ के खाना खाने वाले हैं ये जो डिश बनाएंगे। अंडा कड़ी ठीक है। फोटोग्राफर आते हुए हैं? नहीं नया फोटोग्राफर है भाई, हमने इतनी अच्छी फोटो खींची है बताओ यार। देखो कैसी खींची है। तानिया इसको ले जाए घर? इसको ले जाते हैं। अच्छा तानिया का भाई भी इतना ही है ना? हाँ। इसे थोड़ा सा बड़ा है। आगे फोटो आगे दिखाना कैसी आई। चलो भाई इतनी अच्छी फोटो खींची थी ये देखो। ओ वाह देखो एक बार ये पता कौन से स्कूल से है? वो आमिर खान ने नहीं पढ़ाया था लाहौल स्पीति में? अरे ले में जाके है देखो देखो। ओ वाह है ना उसी स्कूल से हो ना जिसमें आमिर खान ने पढ़ाया था 3 इडियट्स में। चलोगे हमारे साथ दिल्ली चलोगे? नहीं। सेटअप पूरा तैयार हो गया है, अब मैं आपको दिखाता हूँ हमने क्या क्या करा है। ये एक लाइट रिंग लाइट और एक ये बल्ब कनेक्शन हमारा यहाँ से सारा कुछ और नहीं है। और ये हमारा सेटअप, ये कोयले जल चुके हैं है। हमारी कारवा वैन हमारा बेड देखिए। तो मैं आपको दिखाता हूँ सस्पेंस, दिस इज द सस्पेंस। लाइट जलाता हूँ मैं एक मिनट अंदर की। और ये देखो जो हमने पूरा बेड बना दिया इसे और इसमें भी पिलो लगा के हम यहाँ पर थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, सोएंगे वैसे वहाँ पर, बट ये हमने वैसे ही बनाया है। और ये देखो और पूरी गाड़ी हमने सेट कर दी है, आगे से ये सब हमने लगा दिया ठीक है। तो इसको बंद कर दिया जाए सेटअप को हमारे। कितना अमेजिंग लग रहा है। ये हमारी कैंपिंग साइट है। वो क्या था? मैं थी तुम थी मैं थी तुम थी कौन था कौन था? वाओ तो ये हमारी कैंपिंग साइट बन के तैयार हो गई। अच्छी लगी? तो भाई आज ये हमारे साथ ही रहेगा पूरे दिन ठीक है। और अब ठंड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, आप लोगों को पता नहीं रहेगा लेकिन इनको देख के पता लग जाएगा। हाँ जी हेलो। ये कैसे देखो लिपटे हुए इनको देखो। हाँ जी। अरे रजाई हो रही है। ये देखो यहाँ नीचे आग जल रही है ठीक है। और यहाँ पे जो लोकल्स है ना उन्होंने हमें ये दिए नेपाली चटनी। वाह यार बहुत अमेजिंग चटनी है। देखो मैं आपको बताता हूँ सिचुएशन क्या है। सिचुएशन ये है हाँ जी कि ठंड बहुत हो रही है, बहुत ज़्यादा। आप इनकी हालत देख के पता ही लगा सकते हैं ये भी काम नहीं कर रही है। तो हमने डिसाइड किया है कि गाड़ी में कार बेड बना हुआ है हमारा, ये हमारी टियागो खड़ी है इधर आपको दिख जाएगी। तो हम अंदर जा रहे हैं, स्विच कर रहे हैं, हम ब्लैंकेट अंदर लेके जाएंगे। लाइट बंद हो चुकी है देखो, साथ छोड़ दिया इसने भी। अंदर ब्लैंकेट लेके जाएंगे और हीटर चला के म्यूजिक चला के अंदर बैठेंगे आराम से, वहीं खाना खाएंगे ठीक है जी। चलो यार ये तो अनएक्सपेक्टेड था, यहाँ कोई आने की सोचेगा भी नहीं जल्दी से। पर लेकिन ये व्लॉग देखने के बाद आप लोग जरूर प्लान करोगे क्योंकि जब जब टियागो आ सकती है तो आपकी गाड़ी भी आ सकती है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, आगे मिलेंगे। मेरे बोलने की पावर खत्म हो गई, अब ये लोग कंटिन्यू करेंगे जल्दी से जल्दी और एक नए सफर के साथ। तो फुल एनर्जी के साथ इस व्लॉग को क्लोज करते हैं। सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।